अहम खबर आपको देंगे। पीटीए का सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी सिम्स की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया है। मलिक सईद आवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सईद आवान बताइएगा इस हवाले से कि क्या इसमें हिकमत अमली अपनाई जाएगी, अब तक कितनी सिमों को बंद कर दिया गया है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की हदायत पर पीटीए जो है वो सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए सरगर्म हो गई है और इस हवाले से ऑपरेशन भी जारी है। 2017 से पहले जैदुल मयाद शनासी गार्ड पर सिम्स का बंदिश जो है वो शुरू कर दी गई है। शहरी सिम्स की बंदिश से बचने के लिए शनासी गार्ड की तजवीज करवाएं। पीटीए का ये कहना है, पीटीए हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में जल्दी इसी तरह सेंट्रल होने वाली शनासी गार्ड पर सिम्स बंद की गई है। 16 अगस्त से लेकर अब तक जो है 69,000 से ज्यादा गैर कानूनी सिम्स जो है वो बंद की गई है। नादरा से हासिल होने वाले डेटे की बुनियाद पर गैर कानूनी सिम को बंद किया जा रहा है। तीसरे मरहले में मौजूदा अपराध के नाम पर रजिस्टर्ड सिम को बंद किया जाएगा। पीडीए के मुताबिक जो है मोबाइल सिम की बंदिश से कबल सार्फिन को आगाही पैगाम भी भिजवाए जा रहे हैं। जाली सिम मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल की जा रही है। गैर कानूनी सिम से दहशत गर्दी, मालियाती फ्रॉड और दीगर सरगर्मियों में इस्तेमाल की जाती है, ये पीडीए का कहना है। जी सही, ठीक है मलिक सईद आवान, अपडेट कर रहे थे आप इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।